जेथे लहान मुले खेळ वस्तू करिता पालकांकडे तगादा लावत असतात, तेथेच माणुसकीला शोभेल व कुणीही कौतुक करेल असे उदाहरण जगासमोर आले आहे. संजीवन संस्थेचे संचालक संजय दिवे यांच्या मित्राच्या लहान मुलींनी प्रिय असणारा व्हिडिओ गेम न घेता या गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना मोबाईल फोन व शैक्षणिक वस्तू देण्यासाठी आर्थिक मदत केली. हे मोबाईल फोन वितरणाच्या छोटेखानी कार्यक्रम निर्भीड व्यक्तिमत्व असणारे सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजोतिया यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला. डॉक्टर चंदू सोजोतिया यांनी विद्यार्थिनींना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देऊन आपल्यासारख्या आणखी गरजू असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करून तसेच सोबत घेऊन अभ्यास करायचे असे मार्गदर्शनही केले. कोरोनाच्या युद्ध पातळीवर आज प्रत्येक व्यक्ती हालाखीचे जीवन जगत आहे. कुणी आजाराने त्रस्त आहे तर कुणी बेरोजगारीने चिंतेत आहे. संसर्ग थांबवण्यासाठी संचारबंदीसारखे निर्णयसुद्धा शासनाला घ्यावे लागते. तसेच सर्व शाळा महाविद्यालय बंद असल्याने शैक्षणिक पद्धत ही ऑनलाईन स्वरूपाची घेता येत आहे. जेथे एकीकडे दोन टाईमचे जेवण मिळवणेही कठीण असल्यावर मुलांच्या शिक्षणाकरिता महागडे मोबाईल फोन घ्यावे कसे हा प्रश्न गरजू लोकांना पडत असे. दुसरीकडे काही संस्था निस्वार्थ मनाने होईल ती मदत करण्याचा प्रयत्न करतात, गरजू लोकांना जेवण असो व आजाराकरिता आर्थिक मदत करण्याचे प्रयत्न करतात. अशातच संजीवन सोशल डेव्हलपमेंट सोसायटीद्वारा चिल्ड्रन होप सेंटरतर्फे वडरपुरा अमरावती येथे गरीब व गरजू मुलींना शिक्षणाकरिता मोबाईल फोन व शैक्षणिक वस्तूचे वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी संजीवन सोशल डेव्हलपमेंट सोसायटीचे संचालक संजय दिवे, अस्मिता दिवे, शेखर गेडाम, रामेश्वर शिंदे, छाया लोखंडे, तनुश्री वानखेडे, अश्विनी वानखेडे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते. संजीवन सोशल डेव्हलपमेंट सोसायटीच्या वतीने आम्ही तीन गरजू मुलींना मोबाईल गिफ्ट केलेले आहेत. आपल्या समाजामध्ये तसंही मुलींना शिक्षणासाठी खूप करून विरोध होतो आणि वडरपुरा या भागामध्ये जो खरोखर तो थोडासा मागासलेला भाग आहे, पण आम्ही त्या ठिकाणी अविरतपणे शिक्षणासाठी त्यांना एनकरेज करतो, प्रोत्साहित करतो. त्या ठिकाणी मिनिस्ट्रीन स्कूल देखील सुरू केलेली आहे आणि आमच्या त्या भागामधल्या चिल्ड्रन ऑफ सेंटरमधल्या विद्यार्थिनी होत्या तिघीजणी, ज्या आता 11वीमध्ये आहे, त्यांना मोबाईलची गरज होती. जरी समजा मोबाईल आला तरी तो भावालाच मिळतो, मुलींना त्याच्यानंतर ते स्थान मिळतं. पुन्हा फक्त मुलींना हा मोबाईल गिफ्ट केलेला आहे की त्यांनी कधी मागे धावू नये, शिक्षणात देखील पुढे जावं, जीवनात देखील पुढे जावं ही शुभेच्छा आम्ही त्यांना देतो आणि हा मोबाईल आम्ही त्यांना यावेळेस समर्पित करतो, गिफ्ट करतो. अरे कल हमने देखी कि अस्पताल में लोग मेज लगा के बैठे रहते हैं. हमने कई बार देखा कि अस्पताल में खाना तो लोग ले लेते, खाने वाले भी होते नहीं थे, दूसरे दिन भेज जाते. लेकिन नहीं, जिसको जरूरत है यदि वो मांगता है तो निश्चित रूप से मिली है और वो आपने किया. और अलग अलग दवा कर बाकी एक दवा कह रहे चले गए, एपिट में चले गए, पीडीएमसी में चले गए या कई चौक पर खड़ रहे वाटर कर दिए, बाकी हर दवा कहने में जा जाकर अलग अलग लोगों को जरूरत जिनकी है उनको वहां तक पहुंचाना और उनकी पूरी टीम को मैनेज करना. और ऐसे कार्यक्रम जहां अपने साथ में जो लोग काम कर रहे उनकी भी जरूरत का ध्यान रखना, ये विजय होना बहुत जरूरी है. ये विजय संजय सर को बहुत साल से देख रहा हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ नया कि लोगों की जरूरत जिसको उसको वहां तक पहुंचाया जा सके. जैसे मोबाइल का वितरण, मोबाइल दिमाग में उनके आगे मोबाइल दे रहा है लेकिन जैसे सोचा उन्होंने वैसे उनको डोनर भी मिल गया. क्योंकि जब आदमी सोचता है और मन से सोचता है कोई ना कोई सारी सुविधाएं मिल गई. और भी कितना सोचा आपको सुविधाएं सारी करने वाले भी जो विजन से सर आप सोचते हैं और निश्चित आपके विजन को और लोगों की जरूरत तक जो पहुँचाने का काम आप करते हैं, निश्चित रूप से आपका कार्य बहुत सराहनीय है. ताकि जरूरत हो दान देना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सारे दानदाता गांव में मिल जाएंगे, नाम बड़े बड़े दानदाताओं के मिलते रहते. मैंने कहीं सरकार ने सर जितने बुलाते मेरे को उस दिन मालूम पड़ता है कि सर ये काम करे. बाकी कहीं प्रचार प्रसार भी मैं देखता कि सर अब 45 दिन से लगातार यहाँ पर 46वां दिन है लोगों को पहुँचा जाता है. कहीं पूरे मीडिया में कहीं हमने भी नहीं देखा कि सर काम.
काम करना है, चुपचाप करना, लोगों की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि आप करते तो आपसे दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे अब आज बच्चों को मोबाइल की जरूरत भी पड़ सकती, पढ़ने के लिए उनके कारण उनका साल बढ़ा, ये किसी का इसके तरफ नहीं जाता, ठीक है माँ बाप करेंगे नहीं करेंगे इनका ध्यान गया। आपका ये लोग देख के लोग और भी लोगों को ऐसी जरूरत हो सकती है, आपके शायद और लोग कोचिंग में और किसी को जरूरत हो तो देने वाले बहुत है, प्रॉपर पहुंचाने वाले व्यक्ति नहीं है। यदि आप वो स्रोत में तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत इसका फायदा होगा और जरूरतमंद को जो उसकी जरूरत हो वो पूरी होगी, और जब वो आगे सफल होगा तो निश्चित रूप से उसने भी आपको भी उनको भी सर ने आज मोबाइल दिया और भी लोगों को जरूरत पड़ती है तो आप उनका आगे वो कार्य करो। आपका एक मोबाइल मिले तीन लोग मिलकर पढ़ सकते हैं तो वो भी करो, अपने उस चीज का ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे काम करने से आपको भी आगे प्रेरणा मिलेगी, आपको भी ऐसे काम करने की इच्छा होगी और जरूरतमंद की जरूरत पूरी होगी।